डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स ने डांस के प्रति इस सच्ची लगन को देश के हर कोने और हर गली में पहुंचाने का फैसला किया है। जहां रहने वाले नन्हे लड़के लड़कियां दिल से डांस करने का सपना देखते हैं, इसके लिए डीआरडी लिटिल मास्टर्स ने भारत के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय दानदाता मंच गिव इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस अभियान के अंतर्गत इस शो के स्कीपर पॉल मार्शल ने नागपुर में एनजीओ विप्ला फाउंडेशन के ऐसे 35 गरीब बच्चों के लिए एक डांस वर्कशॉप आज लिया है। नागपुर में एनजीओ विप्ला फाउंडेशन के ऐसे 35 गरीब बच्चों के लिए एक डांस वर्कशॉप की, जिनमें डांस की लगन तो है लेकिन उन्हें डांस के प्रति अपना प्यार जताने के लिए अब तक कोई मंच नहीं मिला था। उन्होंने हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया और उन्हें बॉडी मूवमेंट से पहले एक्सप्रेशन सिखाए। हर बच्चे ने डांस के बारे में कुछ नई चीज सीखी। उन्होंने एक्सप्रेशन के प्रभाव के बारे में जाना और डांसिंग की खुशी सेलिब्रेट की। मुझे इन बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इस सेशन की तैयारी की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इन नन्हे बच्चों का टीचर हूं। लेकिन आज जब मैं मुंबई लौट रहा हूं और डीआईडी लिटिल मास्टर्स के सेट पर वापसी कर रहा हूं, तो मैं एक नया इंसान बनकर जा रहा हूं, जिसमें अपनी कला के प्रति पहले से ज्यादा वफादारी, प्यार और सम्मान है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन की सबसे अच्छी बात यह थी कि सभी बच्चे दिल खोल कर डांस कर रहे थे। हम सभी ने दिल से डांस किया और हम इतने खुश थे मानो गम का नामो निशान ही नहीं था। इन सभी को खुलकर डांस करते देखना वाकई रोमांचक अनुभव था। 1 to 1 जी टीवी के डीआईडी लिटिल मास्टर के पॉल मार्शल ने नागपुर के कुछ ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को जो है डांस का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया है। हमारे साथ है पॉल, हम उनसे जानेंगे कि क्या बताओगे आज जो है आपके द्वारा जो है यहाँ पे गिव इंडिया के साथ जो है जी टीवी द्वारा जो कोलैबोरेट हुआ है उसके द्वारा आपने कुछ बच्चों को जो है डांस सिखाया है, क्या बताओगे? पहली बात तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। सेकेंडली मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये गरीब बच्चे नहीं है, ये सिर्फ बच्चे आई थिंक, क्योंकि हम सभी गरीब होते हैं, हमारी ज़रूरतें कभी कम होती नहीं है। सो आई थिंक वो बच्चे सिर्फ प्यारे बच्चे, गरीब नहीं है। सेकेंडली मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि डीआईडी लिटिल मास्टर्स का पार्ट हूँ, मैं हिस्सा हूँ, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर आके नागपुर जैसे एक प्यारे से सिटी में आके इन प्यारे से बच्चों के साथ थोड़ा घुल मिल पाया, उनको डांस सिखा पाया, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम होता है लेकिन वो मौका मिलता नहीं, कभी कभी मौका मिलता है लेकिन टाइम होता नहीं है। सो आई फील सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मैं आया यहाँ पे और इतने सारे प्यारे बच्चों के साथ मस्ती किया एंड सभी के चेहरे पे वो स्माइल थी एंड वो जितने वक्त तक मैं उनको सिखा रहा था मैं सारी टेंशन भूल चुका था, सारा स्ट्रेस बाजू में रख के मैं सिर्फ उनके साथ एंजॉय कर रहा था एंड कुछ पल के लिए मैं भी एक बच्चा बन गया था। बिल्कुल, आपने कई मतलब लोगों को सिखाया होगा, कई बच्चों को सिखाया होगा, पहली बार नागपुर आए हो, नागपुर का टैलेंट आपको कैसा लगा? जी आई गेस मैं नागपुर पहले भी आ चुका हूँ लेकिन आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले कुछ काम से आया था। टैलेंट देखो जैसे क्योंकि बच्चे ये काफ़ी रॉ है एंड इन्होंने कभी कहीं से ज़्यादा ट्रेनिंग ली नहीं है, तो इसलिए इस वक्त इन्हें जज करना बहुत गलत बात होगा। बट टैलेंट वाइज वो चाह दिखती है इनमें, वो इंटरेस्ट दिखता है नो सीखने की, कुछ कर दिखाने की। सो आई थिंक जैसे अगर इनको ये रेगुलर ट्रेनिंग अगर मिलते रहेगी तब जाके कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ का टैलेंट काफ़ी अच्छा है। फिलहाल मुझे वो इंटरेस्ट दिखता है, तो जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहाँ पे टैलेंट भी अपने आप बढ़ता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, जहाँ इंटरेस्ट दिखता है वहाँ टैलेंट अपने आप बढ़ता है। आपने आज जो डांस इन बच्चों को सिखाया है तो कौन सा डांस या कौन सी स्टेप क्या सिखाया है? तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतने प्यारे बच्चे होने वाले, मुझे लगा शायद थोड़े बड़े होंगे, तो वो हिसाब से मैंने कुछ एक और अलग सा कोई गाना चुना था। लेकिन जैसे मैंने इन बच्चों को देखा मुझे लगा कि यार ये बच्चे जो है इनकी जो इनोसेंस है उसके हिसाब से एक मुझे प्यारा सा गाना लेना है। जैसे अभी जो नई मूवी आई है पुष्पा, उसमें जो एक वायरल गाना हो चुका है श्रीवली, एंड जैसे मैंने वो गाना प्ले किया सभी बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, तो मैंने सोचा कि यार इसी गाने पर सिखाते। तो थोड़ा बॉलीवुड मिक्स था, थोड़ा लिरिकल मिक्स था, थोड़ी मस्ती थी, थोड़ी नौटंकी थी, तो हाँ लाइक हमने बहुत मस्ती की बस। बिल्कुल, आपने बहुत मस्ती की और बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा डांस को। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है बच्चों को जो है जी टीवी और गिव इंडिया के कोलैबोरेशन में यहाँ पे जो है डांस सिखाया जा रहा है। और पॉल जो है ये बहुत ही जाने माने कोरियोग्राफर है और इनके द्वारा जो है यहाँ बच्चे जो है डांस का जो है यहाँ पे उत्तम प्रशिक्षण ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।